बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स को कौन से टेस्ट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में हम कौन से मेडिकेशंस का यूज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो बेसिकली जो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट कंफर्म होते हैं उनमें ग्लूकोमीटर डिवाइस होता है, मशीन होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ अगर आपको मैं दिखाती जो हमारे पास कुछ इस तरह से ये जो है ग्लूकोमीटर मशीन होती है जिसके साथ हमें स्ट्रिप्स दी जाती है और साथ में प्रिक करने के लिए नीडल होती है। ये हम नीडल जो है पेशेंट की जो है फिंगर में प्रिक करते हैं, देन हम इस पेशेंट का जो है डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। डिफरेंट वैल्यूज हम चेक कर सकते हैं, लाइक फास्टिंग में आप चेक कर सकते हैं, प्री लंच कर सकते हैं, पोस्ट लंच कर सकते हैं, प्री डिनर कर सकते हैं, प्री पोस्ट डिनर कर सकते हैं। ये डिफरेंट लेवल्स पे हम जो है शुगर लेवल डायबिटिक पेशेंट का चेक करते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे पास वो पेशेंट्स आ जाते हैं जिनकी डायबिटीज या कंफर्म नहीं है, उसके लिए हम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवाते हैं जो कि हमारे पास लैब टेस्ट होते हैं। अगर उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करें तो हमारे पास आ जाता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट बेसिकली जो है तब किया जाता है जबकि 8 घंटे तक पेशेंट ने कुछ भी ना खाया हो। ये हम मोस्टली मॉर्निंग में परफॉर्म करवाते हैं। इसकी जो हमारे पास अमाउंट आती है वो हमारे पास होती है 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर तो हमारे पास 120 तक है तो ये नॉर्मल पेशेंट है, उसे डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर 120 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो मतलब पेशेंट प्री डायबिटिक है, उसे डायबिटीज होने के चांसेस हैं, रिस्क फैक्टर पे वो चल रहा है। लेकिन अगर हमारे पास डायबिटीज इसकी 125 अबव आ रही है वैल्यू फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट में तो उस वो डायबिटिक पेशेंट है। इस तरह से हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। सेकेंड टेस्ट जो हम करवाते हैं उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन AC1 टेस्ट। ये बेसिकली हम परफॉर्म करवाते हैं, ये रिजल्ट देता है प्रीवियस 3 मंथ का। मोस्टली हम यही टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं अगर तो हमें डायबिटिक सिम्टम्स शो हो रही होती है पेशेंट में, तो ये हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट करवाया जाता है जो कि 3 मंथ बिफोर जो है पेशेंट की बॉडी में क्या कंडीशंस चल रही है उसका रिजल्ट हमें फाइंड आउट करता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो हमारे पास 6.4% होती है। अगर तो 6.4% है तो नॉर्मल पेशेंट है, लेकिन अगर 6.4 से अबव हो गई है तो प्री डायबिटिक है, और 7 तक पहुंच गई है तो वो डायबिटिक पेशेंट है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं हमारे पास आ जाता है ओरल ग्लूकोज टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बेसिकली ऐसा टेस्ट है जिसमें हम ग्लूकोज सोल्यूशन जो है पेशेंट को देते हैं, वो उसको इंटेक करते हैं एंड आफ्टर 2 आवर्स हम उसका जो है टेस्ट करते हैं उसके ब्लड ग्लूकोज का। और अगर तो उसकी अमाउंट हमारे पास 140 मिलीग्राम आती है तो वो हमारे पास नॉर्मल पेशेंट है, लेकिन अगर 140 से अबव आ रही है, 200 तक आ रही है तो प्री डायबिटिक है, और 200 से अबव MG है तो वो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट है। ये कुछ इस तरह के लैब टेस्ट है जिससे हम डायग्नोज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास पेशेंट डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है या नॉर्मल स्टेज में है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर तो पेशेंट प्री डायबिटिक है तो हम उसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं जिनको उसे फॉलो करना होता है ताकि उसकी कंडीशंस मैनेज हो जाए और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना आए। और अगर तो पेशेंट डायबिटिक है तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है। मोस्टली यूज जो टेबलेट होती है डायबिटिक पेशेंट में वो हमारे पास ग्लूकोफेज है। उम्मीद करती हूँ गाइस यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।